हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको रूट वाले नंबर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे, इस वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से रूट वाले नंबर्स को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है रूट 12। अगर यहां पे रूट 16 होता तो आप बोलते सर इसका आंसर है 4। अगर यहां पे रूट 25 होता तो आप बोलते इसका आंसर है 5। यानी रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो डायरेक्ट उसका आंसर आ जाता, राइट। बट यहां पे जो 12 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो बच्चे, ऐसे नंबर्स को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो देखिए रूट के अंदर है 12 के सबसे पहले आप फैक्टर्स कर लीजिए। 2 6 12 2 3 3 1। तो यहां फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3। यहां पे पेयरिंग कीजिए। पेयरिंग मींस दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर जो सेम हो उनको बोलते हैं पेयरिंग करना, ठीक है। यहां से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, ये अकेला नंबर रह गया, तो बच्चे ये आ जाएगा रूट के अंदर। तो रूट 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। तो रूट 12 की जगह लिखेंगे 2√3। ये आ गई इसकी रिड्यूस फॉर्म, करेक्ट। नाउ रूट 18। अब रूट 18 के भी अब फैक्टर्स करते हैं 18 के। 2 9 3 3 3 1। तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 3। यहां पे पेयरिंग करिए, सिर्फ 3 का यहां पे पेयर बन पा रहा है, ठीक है। तो एक 3 इस पेयर से बाहर आ जाएगा, ये 2 अकेला रह गया, रूट 2। तो रूट 18 की वैल्यू आ गई 3√2। नेक्स्ट रूट 24। 24 के फैक्टर्स करिए, 2 12 2 6 12 2 3 और 3 1। तो बच्चे इसके फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 2 × 3। यहां पे पेयर बनाएंगे तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा 2 का, ठीक है। तो एक 2 यहां से आ जाएगा बाहर। अब ये दोनों अकेले हैं यानी इनके पेयर नहीं बन पा रहे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रूट में डाल दो। तो 2 × 3 6, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 6। रूट 24 की वैल्यू आ गई 2√6, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत इजीली रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब रूट 28 चेक करते हैं। 28 के फैक्टर्स करिए यहां पे 14 7 1। देखो यहां पे 2 का एक पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर निकाल लो, ये अकेला रह गया ना, तो ये रूट में आ जाएगा। यानी रूट 28 की वैल्यू आ गई 2√7। रूट 20 के फैक्टर्स करो यहां पे 2 10 2 5 5 1। एक पेयर बन रहा है 2 का, 2 बाहर आ गया, एक ये अकेला रह गया, तो क्या हो गया 2√5। रूट 20 की वैल्यू आ गई 2√5। रूट 32। बच्चे रूट 32 की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस फॉर्म क्या होगी। 32 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 × 2। एक पेयर, दूसरा पेयर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, ये अकेला रह गया, तो ये रूट में 2 × 2 4√2। रूट 32 की वैल्यू कितनी आ गई 4√2। रूट 40 के फैक्टर्स करिए 20 10 5 1। तो देखिए यहां पे एक पेयर बन रहा है 2 का, तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, ये दोनों सिंगल रह गए, इनके पेयर नहीं बन पाए, तो 2 × 5 10, वो आ जाएगा रूट के अंदर। तो रूट 40 की वैल्यू कितनी आ गई 2√10। नेक्स्ट रूट 48 के फैक्टर्स करिए 24 12 6
थ्री वन, यहां पेयर बनाइए, ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर, ये अकेला रह गया, तो यहां से एक टू बाहर निकाल लीजिए, यहां से एक टू बाहर, टू इंटू टू फोर, फोर रूट थ्री, तो रूट 48 की वैल्यू आ गई फोर रूट थ्री। ठीक है, अब लास्ट बचा रूट 54। तो बच्चे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या होगी। आप एक बार इन सभी क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। ओके।